प्रयागराज में खतरे के निशान के पार हुई गंगा, कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, वाराणसी और बलिया में गंगा नदी उफान पर, उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। SC/ST एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगी ममता बैनर्जी, कई अहम मुद्दों पर बात होगी। पीओके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, कहा पीओके भारत का हिस्सा है, उम्मीद है इसे एक दिन लेकर रहेंगे। यूपी के हरदोई में दूसरी जाति की लड़की से रिश्ता रखने पर दलित युवक को जिंदा जलाया, 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। JNU छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित, वाम दलों ने एक बार फिर जीत का परचम लहराया, IC घोष अध्यक्ष बनी। आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री किसान योजना की रफ्तार सुस्त हुई, यूपी के किसानों को नहीं मिली तीसरी किस्त। पाकिस्तान में सिंधी हिंदू लड़की नम्रता चंदानी की हत्या के विरोध में कराची में लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। आतंकी हमले में बाल बाल बचे, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, चुनावी रैली में हुए धमाके में 26 लोगों की मौत, 42 लोग घायल। और मोहाली में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज दूसरा T20 मैच।